शार्दुल समी बुमराह लौटे तो रिंकू संजू का डेब्यू। जी हाँ दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम को इसी साल के अंत में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना है, जहाँ पर दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। जी हाँ दोस्तों, इस श्रृंखला में टीम इंडिया के लिए कुछ खिलाड़ियों का डेब्यू देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में दिग्गज तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नजर आ सकते हैं। यही नहीं, स्टार पेसर मोहम्मद शमी की भी टीम इंडिया में वापसी हो सकती है, जबकि शार्दुल ठाकुर को भी मौका दिया जा सकता है। दरअसल जब ऑस्ट्रेलिया में पिछली बार टेस्ट सीरीज में जीत हासिल की थी तो उस समय शार्दुल ठाकुर ने बल्ले और गेंद दोनों के साथ ही अहम भूमिका निभाई थी। ऐसे में इस टेस्ट सीरीज के जरिए उन्हें टीम इंडिया में वापसी का मौका मिल सकता है। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को भी इस समय टीम इंडिया से आराम दिया गया था, लेकिन अब उन्हें भी इस सीरीज में जरूर शामिल किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर भारत को इस श्रृंखला में जीत हासिल करनी है तो उनकी भूमिका बहुत ही अहम होने वाली है। तो वहीं दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी लंबे समय से चोट की वजह से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे, ऐसे में इस सीरीज के जरिए उनकी भी वापसी हो सकती है। अगर रिंकू की बात करें तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को भी इस दौरे के लिए टीम में शामिल किया जा सकता है।